कि आज नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल किया गया। इसके पहले नेट का एग्जाम कैंसिल किया गया, आज पीजी का एग्जाम कैंसिल किया गया। 24 लाख बच्चे जो यूजीसी के जो बच्चे दिए हैं एग्जाम, जिसमें सरकार एफिडेविट देके कह रही है कि कोई बड़ा इसमें बेईमानी नहीं है, 13 लोग फिर क्यों पकड़ाए, फिर सुबोध सिंह को आपने क्यों हटाए, फिर इंक्वायरी क्यों सेटअप हुआ। 8 तारीख को जंतर मंतर पर हम लोग बैठेंगे, प्रदर्शन है। हम चाहेंगे कि पूरे देश के बच्चे अपने अपने जिलों में 8 तारीख जो सर्वोच्च न्यायालय का जिस दिन बहस है, उस दिन अपने अधिकार के लिए मजबूती के साथ आवाज उठानी चाहिए। आपकी जिंदगी लगातार मौत की ओर है, आप समझिए, आपकी आवाज ही आने वाले भविष्य और आने वाले मेरी पीढ़ी को की जिंदगी को बचा सकता है। 60 बच्चे से ज्यादा आत्महत्या पूरे देश में कर चुके हैं। लोगों के भीतर भय का वातावरण होगा, क्या मेरी लाइफ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब के लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, क्या मेरी जिंदगी बचेगी या नहीं, क्या मैं कभी सक्सेस करूंगा या नहीं, क्या मैं पढ़ने मेरा विकार है या पढ़ूं या नहीं, क्या इस व्यवस्था में बिना पैसे और मिडिल क्लास के बच्चे जो जीनियस हैं उनकी जिंदगी सरवाइव करेगी या नहीं, उन्हें कभी नौकरी मिलेगा या नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 8 तारीख मेरा सवाल यहां पर है कि कितने पैसे के बंदर बांट हुए हैं, FIR क्यों नहीं हुआ, जेल क्यों नहीं गए, और इनमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जब आप ही की सरकार का एक विभाग अपराध शाखा जब 13 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी, वो पूछताछ कर रही थी, तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने क्यों चिट्ठी लिखी CBI को, जबकि बिहार सरकार ने एक बार भी आपको पत्राचार नहीं किया। मैं चाहूंगा DG के साथ जो राजीव गोवा का वार्तालाप हुई है उसको ओपन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए, और ADJ नैयर हसनैन खान ने जो पत्र लिखा था सुबोधजी डायरेक्टर से पूछताछ करने के लिए, जिनके पास DG लॉकअप का पासवर्ड होता है और क्वेश्चन वहीं से निकलता है, क्यों उन्हें हटा दिया गया और किस मंत्री के ये रिश्तेदार हैं। फिर से मेरा सवाल है कि नीट कब कैंसिल होगा, और इसके लिए हम सबको 8 तारीख को पूरे प्रदेश में लड़ना चाहिए, देश के जंतर मंतर पर हमें बैठना चाहिए।